नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में हरियाणा कांग्रेस आज चंडीगढ़ राजभवन का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुए। इसके बाद कांग्रेसी राजभवन की ओर चल पड़े, परंतु पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेताओं को राजभवन से पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। राजभवन की तरफ से एक अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि वे ज्ञापन उन्हें सौंप देंगे क्योंकि गवर्नर वहाँ पर नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी रास्ते पर चलती है, अपनी मांग उठाना लोकतंत्र का अधिकार है। अग्निपथ के खिलाफ हम मोर्चा निकाल रहे हैं। हम अग्निपथ योजना की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वह इसे तुरंत वापस ले। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में यह मार्च है। उदय भान ने कहा कि हमारे दो ज्ञापन है, हमारा राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।